नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर सुरेंद्र जुड़ चुके हैं, जो कि इंडियन रेलवे में आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर अजमेर डिवीजन में कार्यरत हैं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ताकि ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि फॉर्म भरने से लेकर के यहाँ तक का जो आपका जर्नी रहा, ये आपका कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर, फॉर्म भरने से यहाँ तक का जर्नी हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमने जैसे महाराज में फॉर्म भरा, जैसे एग्जाम खत्म हुए और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिल गई। तो अभी हमें प्रेजेंट सेंद्रा स्टेशन पर ज्वाइनिंग मिली है ट्रैकमैन पोस्ट में, तो काम बहुत ही ठीक है, कर लेते हैं। बस थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा कम टाइम दे पाते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आराम से सब कुछ ठीक चल रहा है। तो NTPC तो भरा ही होंगे? हाँ बिल्कुल, हमने NTPC का भरा है, उसकी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। NTPC जैसे एग्ज़ाम आएगी तो उसकी तैयारी चल रही है, जैसे जितना भी टाइम मिलता है उतने टाइम में हम तैयारी कंटिन्यू अपनी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं? बिल्कुल, हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। कितना आ रहा है स्कोर अभी? तो हमारे मतलब 70+ स्कोर आराम से आ रहा है, कि आराम से हो जाएगा। लग रहा है प्लेटफॉर्म? हाँ प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन, उनके वो पेपर सेट ला रखे हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और टू और थर्ड, तो उनसे तैयारी चल रही है अभी तो। और ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि ऑनलाइन भी लगा पाए। तो क्या लगता है, NTPC निकल जाएगी? हाँ सर, NTPC आराम से निकल जाएगी। हाँ। कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलो तब कोशिश तो अच्छी है। NTPC में सिलेक्शन हो जाए तो उससे बेस्ट फिर और क्या रहेगा? हाँ सर, कोशिश तो ये NTPC में सिलेक्शन हो जाए, और जितना जल्दी हो उतने जल्दी पोस्ट चेंज कर लें। आपका CBT में स्कोर क्या था? मेरा CBT फर्स्ट के अंदर स्कोर 86 नंबर था। नॉर्मलाइज या रॉ मार्क्स? रॉ मार्क्स। नॉर्मलाइज ओके मतलब 86 बना था, उसमें मेरे 78 नंबर थे, उसके अंदर 8 नंबर बढ़ के 86 नंबर हो गए थे। अच्छा, उसके बाद आपका दौड़ कहाँ हुआ था? मेरा दौड़ यहाँ जोधपुर के अंदर हुआ था। जोधपुर में? बिल्कुल। DV? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरा जयपुर के अंदर हुआ था। जयपुर में? RRB जयपुर। RRB जयपुर के अंदर DV हुआ था, और फिजिकल वहाँ हुआ था जोधपुर में। मेडिकल? मेडिकल भी मेरा जयपुर ही हुआ था। अच्छा, जयपुर हॉस्पिटल के अंदर ही, रेलवे का हॉस्पिटल है उसी के अंदर हुआ था। मेडिकल में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था? मेडिकल में तो वही सब भी नॉर्मल सा मेडिकल था। और तो NTPC की तैयारी अभी आप कैसे करते हैं? बुक से करते हैं, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी या सेल्फ स्टडी? नहीं, बुक से करते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन मिल जाती है तो ऑनलाइन से ले लेते हैं, और वैसे क्वार्टर पे आने के बाद में बुक से ही ज़्यादा करते हैं, और अगर साइड पे थोड़ा जैसे रेस्ट का टाइम मिलता है 1 घंटे का, तो उसमें हम थोड़ा बहुत ऑनलाइन देख लेते हैं। क्वार्टर मिल गया है? हाँ बिल्कुल, क्वार्टर मिल गया है। चलो, तो इंडिविजुअली सबको पर्सनल मिला है या एक साथ है? नहीं नहीं, सबको पर्सनली क्वार्टर मिल चुका है सारे, यहाँ तो नए क्वार्टर बन चुके हैं, पुराने टूट के, तो सबको क्वार्टर दे दिया गया है। तो काफ़ी एडवांस होगा नया वाला क्वार्टर? बिल्कुल, एकदम फ्लैट टाइप में, बहुत ही अच्छा है पहले से तो। तो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है अजमेर से क्वार्टर। हाँ, सेंद्रा स्टेशन वहीं मेरी पोस्टिंग है, और वहीं यहाँ तो कुछ काम के लिए आया था DRM ऑफिस के अंदर। चलो, मौका मिलेगा तो आपके क्वार्टर का एक वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। बिल्कुल, कभी क्वार्टर का वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वार्टर है अपना, कुछ पिक्स मेरे पास है, अगर आप इनके अंदर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना आप। बिल्कुल। तो कैसी चल रही है लाइफ स्टाइल, आप काफी खुश लग रहे हैं? हाँ सर, एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में कुछ खुशी तो होती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है अपना। कोई तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं जो ग्रुप डी के या NTPC के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे, अगर ग्रुप डी और NTPC के साथ में करें तो NTPC को क्रैक करने का ज़्यादा सोचें, कि NTPC आप निकाल लो या फिर ग्रुप डी भी निकाल लो, तो उसके अंदर भी फिर क्या डिपार्टमेंट एग्जाम दे के आप जल्दी निकल जाओ तो ठीक है, लेकिन NTPC की सारी पोस्ट अच्छी है, ग्रुप डी से तो बहुत ही, तो टारगेट अपना NTPC रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। कुछ बुक्स वगैरह सजेस्ट करेंगे? बुक्स तो वगैरह यही है कि प्लेटफॉर्म की किताबें आती है, वही मैं पढ़ रहा था मैथ के लिए, तो राकेश यादव सर की थी, और RS अग्रवाल रीजनिंग थी, और बाकी आप न्यूज़पेपर से या फिर करंट तैयार करते रहो, हो जाएगा आराम से। और GK? GK तो सर इतना है कि मैं तो प्लेटफॉर्म की किताबें पढ़ता था, तो उसी से लगभग आ चुका था, और अच्छे था उसमें सब कुछ। GS जनरल साइंस? जनरल साइंस मैंने तो सिर्फ प्लेटफॉर्म के ही पढ़ा था, और एक वो आती है किरण पब्लिकेशन की जनरल साइंस की, उससे भी तैयारी की थी, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है, अच्छी बुक्स है। चलो, तो अभी ड्यूटी आवर क्या होती है? ड्यूटी आवर तो सर सुबह 8 बजे से लेके मतलब 12 बजे तक होता है, फिर 12 से 1 तक लंच होता है, 1 से फिर 5 तक ड्यूटी आवर्स होता है। तो शिफ्ट भी लगती है या जनरल शिफ्ट में ड्यूटी चल रही है? नहीं नहीं, अभी तो जनरल शिफ्ट में चल रही है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तब नाइट ड्यूटी लगना शुरू हो जाएगी, पेट्रोलिंग होगा उसमें। पेट्रोलिंग होगा ना? बिल्कुल, अभी तो यही टाइम है सभी का। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, एंड आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।